उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज चौकी तिलाव के अंतर्गत कोटा घाट में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाने के संबंध में एक बैठक की गई, जिसके संयोजक दिलीप सिंह पटेल थे। वहां पर उपस्थित दिलीप सिंह पटेल जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि 31 अक्टूबर को कोटा घाट रामलीला मैदान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म दिवस मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि नील रतन सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव अपना दल यस नेता विधान मंडल उत्तर प्रदेश, विधायक सेवापुरी वाराणसी, मुख्य वक्ता माननीय रविंद्र सिंह पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा रालोद व मुख्य वक्ता माननीय इंजीनियर त्रिलोक सिंह पटेल, प्रदेश महासचिव अपना दल यस युवा मंच, विशिष्ट अतिथि देवांशु सिंह पटेल, युवा राष्ट्रीय सचिव अपना दल व माननीय चंदन यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युवा जन सभा के लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से पप्पू सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। वैसा कार्यक्रम किसके रखा गया है आपका, क्या उद्देश्य आप लोग यहाँ पर विकसित हैं? किसान नायक भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती समारोह, जो कि कोटा घाट के रामलीला मैदान में मनाया जा रहा है 21 अक्टूबर को। उसी के लिए हम लोग करते हैं कि आने वाले समय में 21 अक्टूबर में रनिंग परसों हम लोग चौड़ हिस्सा लेंगे। बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम कोटा घाट के रामलीला मैदान में किसान नायक भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती समारोह, जिसके मुख्य अतिथि अपना दल यस के राष्ट्रीय महासचिव नील रतन पटेल जी, विधान मंडल दल उत्तर प्रदेश और मुख्य वक्ता के रूप में युवा रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल जी, माननीय इंजीनियर त्रिलोकीनाथ सिंह जी, प्रदेश महासचिव अपना दल यस युवा मंच और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव जी, माननीय देवांशु सिंह पटेल जी, युवा राष्ट्रीय सचिव अपना दल यस और तमाम साथीगण आएंगे। उसी के लिए हम लोग भव्य तैयारी करने के लिए यहाँ पे आज मवई चौराहे पे सृजन कोचिंग सेंटर में हम लोग मीटिंग रखे हैं और हम लोग 31 अक्टूबर को यानी अपने साथियों के साथ भव्य रूप से सरदार पटेल जी की जयंती समारोह को मनाएंगे। और हम लोग अपने मुख्य अतिथि को तिलाव चौकी से रिसीव करके रोड शो करते हुए कोटा घाट रामलीला मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे। रोड शो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तिलाव चौकी से कोटा घाट रामलीला मैदान। कार्यक्रम जो है जयंती मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, कितने बजे? 31 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जब तक मुख्य अतिथि हाजिर रहेंगे 11 बजे सुबह। हाँ, 11 बजे सुबह प्रातः 11 बजे से स्टार्ट होगा कार्यक्रम, शाम को 4 या 5 बजे तक चलेगा। सर जी, अभी तो एक आगे सूचना है कि मिर्जापुर में भी सांसद द्वारा सांसद जी का कार्यक्रम वहाँ होगा, वहाँ से होने के बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, वहाँ होने के बाद हम लोग यहाँ, वहाँ कितने बजे का कार्यक्रम होगा? वहाँ तकरीबन 10 या 11 बजे के बीच है वहाँ पर। एक दिन है तो कैसे आप यहाँ भी कार्यक्रम? वहाँ भी कार्यक्रम, यहाँ सब अपने लोग रहेंगे, यहाँ करते रहेंगे, वहाँ जाएंगे अपने नेता के साथ सम्मिलित होकर कार्यक्रम में, फिर